गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे जो पहला हमने वीडियो बनाया था वो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन पे बनवाया था, और उस रिएक्शन के मैंने उसमें यूज भी बताए हैं। दो प्रकार की एमीन उसमें बनती हैं, एक को बोलते हैं हम एलिफेटिक एमीन और एक को बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। यानी इस अभिक्रिया के द्वारा दो प्रकार की एमीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है लेबोरेटरी में, और जो पहले प्रकार की एमीन है वो एलिफेटिक एमीन होती है, और जो दूसरे प्रकार की एमीन हम इसके द्वारा बना सकते हैं वो है एरिल एमीन। और आज हम इसी एरिल एमीन पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको अपना पूर्व ज्ञान चेक करना पड़ेगा। जो वीडियो आपने परसों बनाया था उसमें मैंने हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन का आपको एक कथन बताया था, एक स्टेटमेंट बताया था कि हॉफमैन ने कहा क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था जब किसी एमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन अणु के साथ कराई जाती है और उसको हीट किया जाता है तो उसमें हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। प्राथमिक एमीन की हमने रिएक्शन भी उसमें लिखी थी, आप लोगों ने शायद उसको पढ़ लिया होगा, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एरिल एमीन में करने वाले हैं। ये ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा है इसको। सबसे पहले तो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एरिल एमीन बनाना। सबसे पहले हम इस शब्द पे आ जाएंगे, ये एरिल क्या होता है। इस एरिल को हम सिंबॉलिक रूप में ए आर लिखते हैं, ए आर से दिखाते हैं। ए आर मीन्स एरोमेटिक, और एरोमेटिक को हिंदी में एरिल बोलते हैं, उसको एरिल ग्रुप बोलते हैं। इसको एरिल का मतलब ए आर। इससे पहले परसों जो आपने पढ़ा था वो मुख्य फोकस मैंने यहाँ पे किया था, इस जगह पे एलिफेटिक। एलिफेटिक को हमने आर सिंबल से दिखाया था, लेकिन आज जो प्रकरण चलने वाला है उसमें एरिल है। इसमें सभी लोग इस चीज पे ध्यान देंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एरिल क्या होता है। एरिल का मतलब है C6H5, फेनिल समूह को एरिल बोलते हैं, और जब यहाँ पे एल्किल होता है तो एल्किल को एलिफेटिक बोलते हैं, और एलिफेटिक को हम आर सिंबल के द्वारा दिखाते हैं और एरिल को हम AR से दिखाते हैं। एरिल एमीन बनाना कैसे कैसे बनाते हैं इसको, फिर इसमें हम कथन पे चलते हैं। जो कथन है इसका मुख्य उद्देश्य है इस अभिक्रिया का, जब किसी एरिल, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल आर, ए आर यानी जहां जहां हम एरिल की बात करने वाले हैं वहां ए आर लिखने वाले हैं। सांकेतिक भाषा में जब कोई इंडिविजुअल मेंबर हम देंगे तो तब हम उसका नाम लिखेंगे, और अगर हम सिंपली बोल रहे हैं तो हम उसको ए आर से दिखाएंगे। जब किसी एरिल एमाइड, अब हम एमाइड पे देते हैं, एमाइड क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डैश लगा रखा है मैंने और लिखा हुआ है आगे CONH2। जिन यौगिकों में ये CONH2 क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होता है उनको ही हम एमाइड बोलते हैं। तो एमाइड के बगल में मैंने ये लिखा हुआ है कि अभिक्रिया ब्रोमीन अणु, ब्रोमीन के बारे में सभी लोग जानते हैं, हेलोजन का सेकंड मेंबर है, 35 इसका परमाणु क्रमांक होता है और सेवंथ ग्रुप में ये पाया जाता है, तो इस अणु की क्रिया हम कराते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमीन अणु। यानी अणु सभी जानते हैं दो परमाणु के संयोग से जो बनते हैं, ये यहाँ पे Br2 लिखा गया है, वह एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल होते हैं। इसका एक नाम पोटास भी है, KOH बोलते हैं इसको, और इस KOH को इसके जो क्रिस्टल है इनको रखा जाता है एल्कोहल में। एल्कोहल में रखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है इसको बोलते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तब प्राथमिक एरिल एमीन प्राप्त होती है। जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने यहाँ पे एलिफेटिक लिखा था, लेकिन अब ये एरिल हो गया है। प्राथमिक एरिल एमीन प्राप्त होती है। प्राप्त एरिल एमीन में मूल एमाइड से, मूल एमाइड का मतलब जो एमाइड हमने अभिकर्मक में लिया है हमने उसकी बात हो रही है, मूल एमाइड से एक कार्बन परमाणु कम होता है। दूसरा, जो पहला वीडियो मैंने भेजा है उसमें हमने मैंने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था, और उस वीडियो में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। उसमें मैंने डिस्कस किया था, एक जगह पे आ गया है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, जबकि ऐसा नहीं था। नाइट्रोजन के वहां पे जो मैं बोल रहा था वो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी दे रहा था आपको, इसलिए उसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। नाइट्रोजन में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 5 वहां पे आया है। उसी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ये इसको थोड़ा क्लियर कर लेंगे।
अब आते हैं हम रिएक्शन में, मेन रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें हम सिंबल लेते हैं, हमने कोई इंडिविजुअल मेंबर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ये जरूर लिखा है कि ये यौगिक आपका एरोमेटिक एमाइड है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई मेंबर नहीं लिखा हुआ है, ए आर से इसको दिखा रखा है। ए आर का मतलब है एरोमेटिक एमाइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए आर बराबर एरोमेटिक। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एरोमेटिक एमाइड लिया, और एरोमेटिक एमाइड का यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है सबको याद रखना पड़ेगा, इसको ए आर सी ओ एन एच टू। ए आर सी ओ एन एच टू को लिखने से पहले हमें प्रत्येक की वैलेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी चार होती है, आप देखेंगे यहाँ पे एक दो तीन और चार। नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होती है। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको यही भी बताया था, कहीं पे एक जगह पे हुआ है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पांच होता है, पांच नहीं होता है, पांच उसके संयोगी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और साथ में ये भी बताया था कि जो नाइट्रोजन है उसके सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में भाग लेते हैं, दो उसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये एरोमेटिक एमाइड है। जब इसकी क्रिया हम BR2 से कराते हैं, ब्रोमीन अणु से कराते हैं, प्लस 4KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ पे हमने चार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किए हैं। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि दो Br को निकालने के लिए दो पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ से जो ये C है ये कार्बोनेट के रूप में निकलने वाला है, इसे निकालने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए यहाँ पे हमने चार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए। ये हॉफमान हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन में रिएक्टेंट है तीनों, एक हो गया एरोमेटिक एमाइड, एक हो गया Br2 और एक हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों का जब मिश्रण बनाया जाता है और उस मिश्रण को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके बाद हमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। और इसका सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा है ArNH2। परसों मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक एमीन होती है उसकी पहचान यही, उसमें NH2 आता है। जो द्वितीयक एमीन बनती है उसमें यहाँ पे NH आता है, और जो तृतीयक एमीन बनती है उसमें यहाँ पे सिर्फ N आता है, यानी N से तीन समूह अन्य जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हुई है ArNH2 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड के दो अणु मिले हैं, पोटेशियम कार्बोनेट मिला है हमें, और प्लस OH2 यहाँ पे पानी के दो मॉलिक्यूल मिले हैं। ये हॉफमान हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन की जो एरिल यौगिक है उसकी जनरल रिएक्शन है। उसके बाद मैंने क्या करा, ए आर की जगह मैंने यहाँ पे इसका मेंबर लिख दिया है। ए आर मैंने आपको बताया, ए आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं C6H5, इसका मतलब होता है C6H5, इस जगह पे आपको C6H5 रखना है। अब मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन मेन रिएक्शन है ए आर की जगह यहाँ पे C6H5 रखा, और बाकी इसको एमाइड में कन्वर्ट किया है, ये एमाइड ग्रुप है इसमें लगा हुआ CO NH2। अब ये बन गया है बेंजामाइड, इसका नाम है बेंजामाइड है, इसका नाम बेंजामाइड, ये एरोमेटिक एमाइड है। अब बेंजामाइड पे क्रिया हम फिर सेम करवाते हैं, Br2 की रिएक्शन करवाई हमने, 4KOH कास्टिक पोटास भी बोलते हैं इसको, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये ब्रोमीन अणु लिखा गया है यहाँ पे, ऑन हीटिंग गर्म करने पर, तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा इसमें C6H5NH2 बहुत महत्वपूर्ण यौगिक बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन, और एनिलीन जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, और साथ ही इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड बना, पोटेशियम कार्बोनेट बना, और पानी का मॉलिक्यूल इसमें बना हुआ है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने परीक्षा के लिए अभी से तैयार करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले रिएक्शन देने वाला हूँ, आप ध्यान देते रहें। तो प्यारे छात्र छात्राओं, अब आप इसका रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे सभी लोग। कल हम इसी तरीके से आपको एक दूसरी रिएक्शन में लाने वाला हूं, उसका नाम होगा फ्रिडल क्राफ्ट
रिएक्शन अगर हो सके तो आप वो बुक्स में इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे कि फ्रेडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के कितने भाग हैं, कौन कौन से यौगिक उसमें बनाए जाते हैं, आप प्रिपेयर रहेंगे। धन्यवाद।